एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, राजी वाजी होंगे। तो करते हैं आज के दिन की शुरुआत, आज की वीडियो को स्टार्ट। तो आज है 9th of March और इस समय बज रहे हैं, एक मिनट देख लो, 12:37 पे और 12:03 पे, मतलब 12:15 हो रहे हैं। और आप लोग देख ही रहे हो कि मैं रेडी हूँ। हाँ, मैं सुबह वीडियो शूट नहीं की क्योंकि मैं थोड़ा बिजी होती हूँ, मेरा सामान भी से उथल पुथल पड़ी होती है, यहाँ पे ये पड़ा हुआ है, वो आगे पीछे बिखरा पड़ा होता है, तो मैं थोड़ा बिजी थी। तो अभी मैं रेडी होगी तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा अच्छा बन के आप लोगों के सामने आती हूँ। हाँ, और मैं और मम्मा जो है बाज़ार जा रहे हैं इस समय, जल्दी जल्दी जा रहे हैं। और आज 9 मार्च है, तो आज जो है मेरे पापा का बर्थडे है, तो हम लोग बाज़ार जा रहे हैं शॉपिंग वगैरह करने। पापा के लिए सामान वगैरह लाएंगे, केक्स वगैरह लाएंगे। तो बस मैं रेडी हो गई हूँ, मम्मा भी रेडी हैं, क्या कर रहे हैं तो खड़े होकर। रेडी हो मम्मा? गया तो बस हम लोग जो है निकलने लगे हैं। तो बस अच्छी अच्छी लग रही हूँ ना मैं आज, जब थोड़ी मैं ऐसे अच्छी अच्छी और नहा धो के बैठी हूँ तो फिर मेरे को बढ़िया से महज ये लगता है कि मैं पानी हवा में उड़ने लग पड़ती हूँ। तो बस मैं नीचे आ जाती हूँ थोड़ा, क्योंकि मेरे को स्कूटी चलानी है और मुझे मामा को बाजार भी जाना, अगर हवा में उड़ूंगी तो मैं कैसे जाऊँगी। तो बस हम लोग जो है निकलने लगे हैं, तो मैं मिलती हूँ आपको रास्ते में। बाय। ओए नवे कुत्ते, हमारे मल्ले में नया कुत्ता आया, पता नहीं इसको मैंने पहली बार देखा आज। हेलो डॉगू। हम लोग पहुंच गए सिटी और हम पहले जाएंगे केक लेने के लिए, तो बस वही जा रहे हैं हम। लोगों ने ले लिया केक्स वगैरह, अब हम लोग जाएंगे पापा के लिए ड्रेस वगैरह लेनी है। तो बस सामान वगैरह बड़ा ज़्यादा हो गया क्योंकि हमने केक जो है पहले ले लिया हुआ है, तो मैं सूट वगैरह नहीं कर पाऊँगी, तो सीधे घर जाके मिलूँगी मैं आपसे, क्योंकि मम्मा ने भी कितना सारा सामान उठाया हुआ। और इधर भी बड़ा हुआ तो शूट करना पॉसिबल नहीं है। जो है जस्ट पहुंचे हैं घर और बाज़ार में मैं वीडियो वगैरह शूट नहीं कर पाई क्योंकि हमारे पास सामान वगैरह जो बड़ा ज़्यादा था, और मम्मा पीछे बैठे थे, हम स्कूटी पे गए हुए थे, तो मम्मा सामान पकड़ते या फिर वीडियो शूट करते ना, तो फिर इसलिए वीडियो शूट नहीं की। तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को मैं क्या क्या लेके आई हूँ। मैं बड़ी उतली हूँ, सारा सामान खोल के खिलाड़ा भी डाल दिया, दिखाती हूँ आप लोगों को मैं। आप क्यों घूर रहे हो मेरे को? घूर रहा मम्मा तू चले, झूठ नहीं मारे करो, कूरी भी लाते फिर मंद मन मुस्कान कर दे। तो ये है केक्स वगैरह, ये सारे पड़े अंदर केक, ये मैंने एक फुला भी लिया के देखने के लिए, ये लाया हुआ है ऐसा कुछ। ये बड़ी वाली बियर की बोतल भी है, इसमें बियर वाला ग्लास। और ये ड्रेस लाई है पापा के लिए, ये दो शर्ट्स हैं और ये जींस ऐसे कुछ। ये क्या कर रहे हो दीदी? फुला रही हूँ उसको, क्या कर रही हूँ, इसमें जान लग। आज क्या है? और पापा का बर्थडे है, डैडी का, ताऊ जी का बर्थडे आज। मैंने बैलून्स भी लिए थे और मैंने और भी सामान लिया था, लेकिन मेरी मम्मा है ना, मेरी मम्मा इन्होंने सारा मेरे को डांटा होता, फिर मेरी बेइज्जती हुई, मैंने बंद कर दिया। फुल रहा, ये फुल नहीं रहा मेरे से, एक फुल गया, ये फुल नहीं रहा। कौन सा वाला फुला? ये वाला स्टार। बताओ दीदी कैसा? दो फूल के, तीसरा फुलाओ। क्या लिखा है इसके ऊपर? चीयर्स। चीयर्स। ये फुलाने की कोशिश करती हूँ, वो तो मेरे से फुले नहीं है, वो रख दूंगी और फिर किसी और से बोलूंगी फुलाने के लिए। अगले बहुत दही फूल। हाँ
हो गया। जान लगा के जोर से, मेरे बस दर रुक नहीं है, मेरे को लड़ नहीं आते नफला दीदी। पान इसमें हवा बढ़ते बढ़ते जो है वो मेरे अंदर की लग रहा है कि मेरे अंदर की हवा जो है वो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ये ऐसे कैसे ही है, इनमें कोई असर नहीं दिख रहा मेरे को, ये वैसे का वैसा ही है, ये दूसरा वाला भी ऐसे ही है, और बियर की जो ग्लास है वो भी नहीं भर रहा मेरे से, मेरे वैसे मेरे को चीख से दर्द होने लग पड़ी और ये भी नहीं भर रहा, वैसे ये जो छोटे छोटे थे ये मैंने भर लिए और दोनों ये तीन नहीं भरे जा रहे मेरे से, ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर की हवा ख़त्म हो गई लेकिन इनमें हवा जा ही नहीं रही, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है इनमें, लीक भी नहीं है इनमें, थोड़ा ज़्यादा मतलब अच्छा बंदा होना चाहिए जो ऐसे ज़्यादा जोर से फूंक मारे फिर ये बने जाएंगे, अब मैं ढूंढते किसी और को जो ये भर सकता है, अभी फिलहाल ऐसे ही रख रही हूँ मैं, और ये वाला बेचारा फिस भी हो गया थोड़ा सा, वाह मम्मी वाह वाह मम्मी वाह, मेरे से बड़ी बड़ी नहीं फुलाई जा रहा था ना, मम्मा ने देखो फुला भी लिया, मम्मी वाह शाबाश, मैं सोच रही थी कि कोई जोर वाला जिसकी ज्यादा जोर से फूंक मार सके, मैं तो मम्मा को ये भूल ही गई थी और मम्मा ने देखो फुला भी लिया ये मतलब मेरे से इतनी सी हवा भी नहीं जा रही थी इसके अंदर और मम्मा ने पूरा फुला दिया ये, वाह अब दूसरे वाले भी मम्मा से ही फुलवाऊंगी मैं। इस समय बज रहे हैं 8:30 और पापा जो है अभी जस्ट पहुंचे हैं, तो बस हम लोग लगे हैं पहले केक कट करने, उसके बाद जो डिनर वगैरह करेंगे, तो बस केक कट कर लेते हैं, देखो आप लोग भी